झांसे में फंसे डॉक्टर साहब, खाते से उड़ाया 30,000 रुपया, गुहार लगाते पहुंचे भभुआ थाने, दिया आवेदन। बताया जाता है कि डॉक्टर खुद किडनी के पेशेंट है, जो दवा मांगने के लिए कोरियर का सहारा लिए थे। कोरियर द्वारा 1 माह बाद भी दवा नहीं मिला तो कोरियर वाले से बात किया, तो कोरियर वाले ने एक फ़ोन आने और सारा डाटा शेयर करने की बात कही। फिर एक फ़ोन आया जिससे अपने पर्सनल डाटा शेयर करते हुए उनके खाते से कट गया 30,000 रुपया, जिसको लेकर थाने में गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर चैनपुर PHC में डॉक्टर पोस्ट पर तैनात है। कोरोना को लेकर छुट्टी नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी, पुलिस जाँच में जुटी। DTDC सेवा से, कुरियर सेवा से मेडिसिन मंगाए थे जो 1 महीना हो गया था, और अब मैं किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज हूँ, और उसके लिए एक्चुअली हम डॉक्टर भी हैं प्राथमिक स्वास्थ्य चैनपुर पे, और उसके लिए हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मेडिसिन के संबंध में DTDC की कुरियर सेवा से बात किए, जो 1 महीना तक नहीं पहुँचा था। तो उसने एक मोबाइल नंबर पर बोला कि फ़ोन आएगा, उससे आप बात कर लीजिएगा। मोबाइल पे फ़ोन जैसे ही कट किया, उसके बाद दूसरा फ़ोन आया, उस पर हमने बात किया, तो सारा जानकारी वो बोला था कि शेयर कर दीजिएगा, जिसके बाद हमने शेयर किया, और शेयर करते ही मेरा 30,000 रुपये अकाउंट से कट गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता से। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अभिषेक चंद्र पटेल। अच्छा, अभी आए तो यहाँ पर क्या बोला गया प्रशासन द्वारा? बोला गया कि आप जो है 2 दिन में आइए और इस पे केस दर्ज किया जाएगा, उसके बाद उसको। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। Nation 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल, और बने रहें हमारे न्यूज चैनल Nation 24 के साथ। नमस्कार।